नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आईसीसी वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 6 महीने कुछ बच गए हैं। बहरहाल इसी चीज़ को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूदा हैं हमारे स्पोर्ट्स के एडिटर अभिलाष जी। तो अभिलाष जी, आपको क्या लगता है कि मतलब वर्ल्ड कप में इतना समय है तो मौजूदा टीम से आपसे मतलब क्या उम्मीद है आपको भारतीय टीम से? देखिए, उम्मीद तो है गौरव, क्योंकि भारतीय टीम जो है प्रबल दावेदारों में से एक मानी जा रही है। लेकिन मौजूदा स्थिति में देखा जाए, जो अपन कवर करते हैं, ये है कि भारतीय टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो खासा वीक नज़र आ रहा है। चाहे रोहित, विराट और शिखर तो एक बेहतरीन फॉर्म में है, ये आपको लगातार मैचेस जिता कर दे रहे हैं, लेकिन भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। अब जैसा कि अपन ने देखा कि नंबर 4 पर यहाँ पर भारतीय टीम जो है लगातार स्ट्रगल कर रही है। पिछले 4 साल में 10 बल्लेबाज ट्राई कर चुकी है भारतीय टीम, और नंबर 6 पर भारतीय टीम करीब 8 बल्लेबाजों को ट्राई कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो एक संतुलन है वो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जो है इस मैटर को उतना सीरियसली नहीं ले रही है। विराट को लगता है कि इन्हें नंबर 4 पर रायडू ही सेट हो गए हैं, क्योंकि एक सीरीज में परफॉर्म किया है। अब ऑस्ट्रेलिया दौरा आ रहा है, यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी विराट का ये कहना था कि नंबर 4 के लिए वो शायद केएल राहुल को खिला सकते हैं, और उस पर मेरे को तो नहीं लगता कि वे इसके केएल राहुल का इतना अच्छा फॉर्म है। केएल राहुल को मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, ये पिछले 7-8 महीने से आखिर चल के विराट के एक वो चहीते कह सकते हैं ना, केएल राहुल को उस हिसाब से वो विराट देख वो रहे हैं। चहीता देखिए, हर कप्तान का हर दौर में एक चहीता खिलाड़ी होता है, चाहे वो रोहित शर्मा धोनी के टाइम में हो, अब केएल राहुल विराट के टाइम में है। ठीक है, हम मानते हैं कि केएल राहुल में टैलेंट है, एक अच्छी स्किल्ड बल्लेबाज है, मैच जिता सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है, और भारत के लिए शायद 3 महीने, क्योंकि 2 महीने तो आप आईपीएल खेलेंगे और उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के पास ये 3 महीने हैं, और उससे भी कम है 13 ODI, और 13 ODI में भारत को ये डिसाइड करना है कि उनका वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। देखिए, भारत की जो कमजोरी है वो है यही इनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि 10 में से 8 मौके ऐसे होंगे गौरव जो आपको शिखर, रोहित और विराट मैच निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन वो जो 2 मौके आएंगे, उन 2 मौकों में आपको अपने मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो फॉर्म में नहीं है। अगर ये फॉर्म में होते तो हम थोड़ा सा कह सकते थे कि भारतीय टीम जो है जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। हम चाहे पिछले साल का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लें, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने भारत की इसी कमजोरी पर वार किया था। 2015 का विश्व कप सेमीफाइनल जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बाहर किया था तो कुछ यही सिचुएशन थी। तो अब रिवेंज का टाइम तो नहीं है, अब अपने आप में चेंज का टाइम है। केएल राहुल मुझे नहीं लगता कि 4 नंबर पर फिट बैठेंगे, एक स्किल्ड बैट्समैन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है भारत को। सुधार की ज़रूरत है भारतीय टीम को अभी, जैसे कि विराट कोहली ने अभी कहा कि हम अपनी टीम में सुधार करना चाहते हैं। अभी आखिरी विदेशी दौरे पे जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे को लगता है कि मेरी टीम में एक ज़रूरत है सुधार की, मिडल ऑर्डर पर खासकर। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर पे तो ज़रूरत है ही, वो तो हर कोई कह रहा है। हमने देखा कि इंग्लैंड में भारत का क्या हश्र हुआ, और टेस्ट सीरीज़ को लेकर भी वो बात कर रहे थे। टेस्ट सीरीज़ में भी क्या था कि भारत का जो अभी मिडिल ऑर्डर है, अब रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में इन्होंने ले लिया है, तो रोहित शर्मा तो नंबर 6 खेलेंगे ही खेलेंगे, तो अब परफेक्ट कॉम्बिनेशन इनको ढूंढना है। भारत इंग्लैंड में 4-1 से हारा अपनी बल्लेबाजी की वजह से, भारत की गेंदबाजी उतनी मजबूत थी कि भारत की गेंदबाजी जो है, इस गेंदबाजी पर हम उम्मीद रख सकते थे कि ये गेंदबाजी आपको मैच जिता कर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी बल्लेबाजी ने आपको मैच हराए हैं। केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म थे, केएल राहुल की फॉर्म खराब थी, इसके बाद मुरली विजय से रन्स नहीं हुए, शिखर धवन से रन्स नहीं हुए, जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा। एक विराट जो है वो अकेले इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते चले आए। तो मिडिल ऑर्डर तो चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, सभी हर जगह समस्या बनी, जो कहीं ना कहीं बस भारतीय टीम की एक जो कमी दिख रही है वो कहीं ना कहीं बस एक बल्लेबाजी में थोड़ी बहुत दिख रही है। गेंदबाजी में तो भारतीय टीम इस समय शीर्ष पर कह सकते हैं, मतलब शीर्ष पर तो नहीं, लेकिन हाँ, एक अब तक का भारत का शायद गेंदबाजी का वन ऑफ द बेस्ट फेज में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टिपिकल स्विंगर्स भी हैं जो भुवनेश्वर कुमार के रूप में है, एक अच्छा पेस अटैक भी है जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव के रूप में, उसके बाद आपके पास खलील अहमद है जो लेफ्ट आर्म पेसर है, तो एक अच्छा बंच तैयार तो हो गया है। लेकिन आप इन खिलाड़ियों को लगातार मौका देंगे तब शायद ये खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। भारत पिछले 1 साल में कितने खिलाड़ियों को ट्राई कर चुका है, और खिलाड़ियों को अभी भी
कहीं ना कहीं उनके अंदर से कॉन्फिडेंस जो है वो चला गया है कि मैं हम शायद अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंज कर दी है विराट और शास्त्री ने टीम। अब वही बात है ना कि अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही चीज़ है शास्त्री के साथ, जब इंग्लैंड जाने वाले थे उससे पहले जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था तो बहुत छाती चौड़ी करके गए थे, वी आर द बेस्ट टीम और हम बेस्ट टूरिंग टीम बनना चाहते हैं, हम पिच की कंप्लेंट नहीं करेंगे, बच्चों वाली बातें हैं साफ तौर पर। ये अब आप वहाँ जाओगे आपको पता नहीं है कि कंडीशंस क्या है, आप वहाँ पर वैसा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाओगे, तो ये बच्चों वाली बातें थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाने से पहले तो उनको पता था कि भाई हम यहाँ कुछ बोलेंगे तो हमसे 10 तरह के सवाल हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छे कप्तान की तरह विराट कोहली ने इनको कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो ख़राब होता है और हमारे बल्लेबाज जो हैं ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि यहाँ पर भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी में किस तरह सुधार करेगी। लेकिन रवि शास्त्री का वहाँ पे भी मेरे को नहीं लगा, वहाँ पे भी वो बस टीम की तारीफ करते जा रहे थे और उन्होंने जैसे कहा कि मैं टीम से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता वर्ल्ड कप को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना, क्या इन्हीं खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेल लेगी? देखिए वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि खैर रवि शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि अब हमारे पास जो लिमिटेड खिलाड़ी हैं हम इन्हीं के बल पर जो है आगे जाएंगे और यही खिलाड़ी जो है हमको बेहतर प्रदर्शन करके देंगे, हम किसी और को बाहर से हायर नहीं करेंगे। यानी कि सुरेश रैना, युवराज सिंह और बड़े बड़े खिलाड़ियों का लगभग जो है वो अब ख़त्म हो चुका है कि भाई वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन तमाम संभावनाएं जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। अब आप 2011 वर्ल्ड कप उठा लो, भारतीय टीम जो थी वो युवा खिलाड़ियों की और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की मिश्रण थी, विराट कोहली युवा थे, सचिन, सहवाग और बाकी युवराज कोई भी वापसी हुई थी, युवराज को एक सीरीज पहले लाया गया था और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पहला मैच तो वो उन्होंने कुछ खास नहीं प्रदर्शन किया, दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ एक अशतक किया, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आया और युवराज सिंह ने भारत की झोली में वर्ल्ड कप डाल दिया। 2007 T20 विश्व कप में भी कुछ यही हाल था, इंग्लैंड से आउट ऑफ फॉर्म लौट कर आए थे लेकिन उसके बाद एक वो इंग्लैंड के खिलाफ जो 6 छक्कों वाली पारी थी वहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा जो है वर्ल्ड कप पलट कर रख दिया भारत के। ये तो देखा ही जा रहा है कि युवराज सिंह का बल्ला अधिकतर विदेशी में चलता है, विदेश में ज़्यादा, मतलब एक वो खिलाड़ी होता है जो घरेलू क्रिकेट में अधिकतर भारतीय टीम मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाती, अपने मैदान पर इतना नहीं खेल पाती, लेकिन युवराज सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। क्या है गौरव की यही चीज़, यही कमी हम कहते हैं कि ठीक है आप एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ियों को रखना चाहते हैं, इट्स वेरी गुड, बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते, अगर दादा उन्हें ज़्यादा मैचेस का मौका नहीं देते, शायद विराट कोहली नहीं होते अगर धोनी उन्हें मौका नहीं देते, तो कहीं ना कहीं कई बार ड्रॉप होने से विराट कोहली खुद कह चुके हैं कि धोनी ने मुझे बचाया है। तो अब जो खिलाड़ी आपको मैच जिताकर दे सकते हैं जिनका विदेशी कंडीशंस में अच्छा रिकॉर्ड है आप उनको ट्राई क्यों नहीं कर, और वेस्ट इंडीज सीरीज जो है वो मौका थी। बहरहाल सीनियर खिलाड़ियों के बारे में हम अगले प्रोग्राम में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है और जहाँ पर भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है वो अभी फिलहाल अगर सिचुएशन देखें तो पिछले 1.5 साल में बहुत ख़राब है मिडिल ऑर्डर की तर्ज पर अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल यही तो देखा जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ एक और कहना चाहता हूँ कि अभिलाष जी, युवराज सिंह एक मतलब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अगर लेके चला जाए तो काफ़ी भारतीय टीम सुधार सकती है अपने आप में। लेकिन युवराज सिंह ने हालांकि ये कहा था कि मैं अपने करियर को समाप्त करने से पहले एक बार बस वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि खेलना और नहीं खेलना अब तो ये तो चयनकर्ताओं के हाथ में है, खुद भी तो ये रणजी ट्रॉफी से बैक कर रहे हैं। अब आप ये देखिए युवराज को, चलिए पब्लिक का सपोर्ट है, फैंस का सपोर्ट है, हम सब भी जानते हैं कि युवराज अगर खेलेंगे वर्ल्ड कप तो अगर फ़ायदा नहीं होगा भारत को तो नुकसान भी नहीं होने वाला, ये तो देखना है। लेकिन अभी रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। IPL ऑक्शन में भी रिलीज़ कर दिया है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने उनको, और रिलीज़ के बाद अब शायद बहुत कम चांसेस हैं युवराज के लिए। लेकिन बाकी खिलाड़ियों को अगर देखा जाए तो बाकी खिलाड़ी क्या तैयार हैं? क्या ये अंबती रायडू जिनको आपने इंग्लैंड लेकर आप गए नहीं, क्या अंबती रायडू आपको नंबर 4 पर मैच जिताकर दे सकते हैं? क्या नंबर 6 पर केदार जाधव फिट हैं? सिर्फ ये सोचना कि केदार जाधव एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं तो आपको यहाँ पर मैच आप नहीं जीत पाओगे।
केदार जाधव में शायद वो हुनर नहीं है या हमने देखा नहीं है कभी अपने आप को, उन्होंने उतना प्रूफ नहीं किया है कि 25/3 या 30/3 से भारतीय टीम को 300 साढ़े 300 रन लगा कर दे दे, क्योंकि भारत को ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर धोनी भी लैप्स इसी वजह से कर रहे हैं, पहले देखिए रैना होते थे, युवराज होते थे, तो उनके पास एक बंच था, उनको पता था कि हमको मैच आगे लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय टीम जो है वो अपने प्रदर्शन को आगे रखे, अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करे, और अगर प्रदर्शन बेहतर रहेगा तो शायद भारतीय टीम और उम्दा प्रदर्शन कर पाएगी। मिडिल ऑर्डर तो भारतीय टीम का वैसे ही पहले ही से बहुत खराब है, और आगे भी इतना नहीं लगता कि ये नहीं देखिए खराब नहीं था, खराब भारत का मिडिल ऑर्डर कभी खराब नहीं रहा है जितना पिछले 1.5 साल में हो गया है। भारत का मिडिल ऑर्डर जो है हमेशा अच्छा रहा, हमेशा ऐसे खिलाड़ी जो है बंच पे रहे हैं। अब आप देखिए पहले युवराज, रैना, धोनी, चाहे और भी सीनियर खिलाड़ी होते तो उनको पता था कि हमको मैच कैसे आगे लेकर जाना है। यहाँ पर आपको आपको मालूम है कि भाई अगर हमारे रोहित, शिखर और विराट आउट हो जाते हैं तो हमारे पास कोई टीम नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय है। अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही एशिया कप में पोल खुल गई, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ कितनी पोल खोल के चली गई आपकी, तो अब आपको देखना चाहिए कि भाई मिडिल ऑर्डर में आप किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। बहरहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, हम जुड़ेंगे आपसे दोबारा ऐसी ही खास अपडेट के साथ।